आज चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी, संजय मयू जी और मैं, ऐसे हम चार लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से हम मिले और चुनाव आयोग से जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर अलग अलग अपनी भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा जी के कुछ वक्तव्य पर कुछ एक्शन हुई और उसी प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के मंत्री ने करने पर वहां कोई एक्शन नहीं। ऐसे डिस्क्रिपेंसी, इसका कारण क्या है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, ऐसे कुछ राज्यों में वहां के चुनाव अधिकारियों की भूमिका कई बार अलग नजर आ रही है। तो वो बातें आज हमने चुनाव आयोग के सामने लाई। चुनाव तो अभी शुरू हो रहा है, पहले चरण के फॉर्म्स तो अभी आज लोगों ने भरना पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार कुछ नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं, जैसे संजय राउत जी ने महाराष्ट्र में कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, औरंगजेब भी वहीं के थे और औरंगजेब जिस प्रकार दबा रहे थे वगैरह वगैरह, जो कुछ वक्तव्य कहा, ऐसे कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। मैंने अभी आप सबके सामने बात बताई, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। वो कह रहे हैं हम देखेंगे उसको, इसकी जांच करेंगे, उसमें जो उचित होगा वो करेंगे। नहीं देखिए, ये तो एक कॉन्टेस्ट है, ये कोई वॉर थोड़ी है। इसको, इसमें मर्यादाओं का निर्वहन बड़ा आवश्यक है, सभी को करना चाहिए, यही हमने कमीशन से कहा। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई हो? अब देखिए, हम तो कमीशन बताएंगे, हमने अपनी बात कह दी, अब निर्णय उनको लेना है ना। नहीं होनी चाहिए ना, उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कमीशन के तमाम आदेश हैं, तमाम कानून हैं, उसके तहत जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।